अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रईस अहमद और आप देख रहे हैं रईस अहमद ऑफिशियल चैनल की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हमारे पास तीन स्प्रिंगर एयरगन्स हैं। फर्स्ट है जी कोमेटा फ्यूजन मेड इन स्पेन 0.22 कैलिबर में। सेकंड है जी हडसन 125 स्नाइपर मेड इन तुर्की है और ये भी 0.22 कैलिबर में है। और तीसरी है गैमो शेडो 1000, ये भी मेड इन स्पेन है और ये भी 0.22 कैलिबर में है। तो आज तीनों एयरगन्स का पावर टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि किस गन की पावर सबसे ज़्यादा है। उसके साथ साथ इनका रिकॉइल टेस्ट भी होगा और लोड करते वक्त कौन सी गन सबसे ज़्यादा जोर लेती है, मुश्किल लोड होती है, ये भी चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं किस गन की पावर सबसे ज़्यादा है। तो जी सबसे पहले चेक करेंगे कोमेटा फ्यूजन को, देखते हैं जी लोड करते वक्त कितना जोर लगता है, रिकॉइल कितना है और पावर कितनी है। तो पैलेट्स तीनों एयरगन्स पे हम गैमो प्रो मैग्नम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बैरल डाउन हो गई, सिर्फ दो उंगलियों से बैरल डाउन करके इसको लोड किया, कोई ज़ोर नहीं है। तो चेक करते हैं जी, देख लें आपके सामने बिल्कुल रिकॉइल ना होने के बराबर है, लोड करते वक्त भी कोई ज़ोर नहीं लगा, ठीक है। ट्रिगर भी बिल्कुल लाइट है। तो इसके बाद चेक करते हैं जी हडसन 125 स्नाइपर को। ये है जी हडसन 125 स्नाइपर, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लगता है इसको लोड करते वक्त। तो जी चेक करते हैं, ये भी ऑटोमेटिक सेफ्टी लॉक इसको भी लग जाता है। बहुत ज़्यादा रिकॉयल है, लोड करते वक्त ही बहुत ज़ोर लगता है। ट्रिगर ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। तो सेकंड चेक बल्कि थर्ड तीसरी को चेक करते हैं जी गैमो शेडो 1000 को। तो ये है जी गैमो शेडो 1000, बिल्कुल लाइट वेट है। तो जी इसको बल्कि ऐसे प्यार से, अच्छा कोमेटा से थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ज़ोर लगता है लोड करते वक्त। तो जी रिकॉइल कम है, इतना ज़्यादा नहीं है, कोमेटा से ज़्यादा है, लेकिन हडसन 125 से बहुत ज़्यादा कम है। ट्रिगर भी लाइट है, इतना हार्ड नहीं है और लोड करते वक्त भी इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता जितना हडसन 125 पे लगता है, समझ लें कोमेटा से थोड़ा सा ज़्यादा पावर। तकरीबन कोमेटा और इसकी मुझे यहाँ पे तो सेम लग रही है, लेकिन अब चेक करते हैं जी कि पैलेट कितना इस लकड़ी के अंदर गया है। जी दोस्तों, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। ये फर्स्ट पैलेट हमने फायर किया था कोमेटा फ्यूजन से और ये सेकंड है जी हडसन 125 स्नाइपर से और ये थर्ड गैमो शेडो 1000 से। तो फर्स्ट पैलेट चेक कर लेते हैं जी, ये स्टिक है हमारे पास, तो ये इसके अंदर फुल दबा दी, तो मार्कर से ये निशान लगा लेते हैं, ठीक है। तो जी ये देखें इतना पैलेट इस लकड़ी के अंदर चला गया है, कोमेटा फ्यूजन की ये पावर है। उसके बाद जी हडसन 125 स्नाइपर का पैलेट तो ये सामने खड़ा है, ये देख लें आप, रिकॉयल देख लें,
हाँ, लोड करते वक्त कितना ज़ोर लगा, और पैलेट देख लें, ये बिल्कुल ये सामने खड़ा है, ठीक है। तो मतलब इसको क्या चेक करना, बिल्कुल ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बस इतना ही, और आगे है जी गैमो शेडो 1000। तो हाँ जी, ये देखें जी गैमो शेडो 1000। तो ये देखें जी गैमो शेडो 1000 की पावर, कुमीटा से थोड़ी सी कम है। तो रिकॉयल भी आपके सामने है, ठीक है, कुमीटा के तकरीबन ना थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और पावर भी थोड़ी सी कम है जी दोस्तों। तो आपने देखा पावर टेस्ट भी, रिकॉयल टेस्ट भी, और लोड करते वक्त कितना ज़ोर लिया इन ईयरगन्स ने। तो रिज़ल्ट सबसे बेस्ट जो है ना, ये कुमीटा फ्यूजन 7 सेंटीमीटर इसका पैलेट जो है ना इस लकड़ी के अंदर गया, और उसके बाद गैमो शेडो 1000 है 5 सेंटीमीटर इसका पैलेट जो है ना लकड़ी के अंदर गया। तो हटसन 125 स्नाइपर रिकॉयल भी ज़्यादा, लोड करते वक्त भी सबसे ज़्यादा ज़ोर ले रही है, और पावर आपके सामने है। तो इस टाइम बिल्कुल इसकी कह लें कि पावर ना होने के बराबर है, मतलब जितना इसका रिकॉयल है, जितना लोड करते वक्त ये ज़ोर ले रही है, तो बिल्कुल इसका रिज़ल्ट जो है ना वो नहीं मिल रहा। वजह ये हो सकती है कि शायद इसकी पिस्टन सील डैमेज है, तो इसकी इसका एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट देती है, तो फिर पता चलेगा कि क्या मसला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच जाए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।